वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन दिनों मुंबई में गणपति बाप्पा की धूम मची हुई है। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं अभिनेत्री निशा पारिक के घर पे। निशा पारिक ने कहीं कहीं क्राइम पेट्रोल साधन इंडिया तो की है, पर वो जान जाती है जीटीवी के जोधा अकबर से। उन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उड़ान, कॉमेडी क्लास, संतोषी माँ, जीत गए मोरे पिया, जीटी वाला गठबंधन, कलर्स पर और मैडम सर जैसे कई नामी गामी सीरियल में काम कर चुकी है। वह हर तरह के किरदार करने के लिए तैयार है, फिर वो कोई बोल्ड हो, किसिंग सीन हो या विकनी हो। हाँ, उन्होंने ये जरूर कहा है कि न्यूड और सेमी न्यूड वो नहीं करेगी। खैर, हम बात कर रहे हैं गणपति की। इस बार उन्होंने, निशा पारिक ने अपने गणपति का नाम दिया है हीरे राजा। बड़ी ये शिद्दत से, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, हीरे राजा। हीरे राजा को अपने घर ले आई, आरती वंदना की। 5 दिन तक लगातार उन्होंने बड़ी ही शिद्दत के साथ पूजा अर्चना की, उनके सामने नृत्य किया, नाची गाई और वक्त आया 5वें दिन का। उसी तरह निशा पारिक ने भी पूजा अर्चना की, बापा को अपने घर में, पूरे घर में घुमाया और फिर ले चले विसर्जन के लिए। में कई बार नृत्य किए, ढोल ताशे बजे, निशा के फ्रेंड ने भी नृत्य किया, डांस किया और फिर लोखंडवाला में विसर्जन गणपति बप्पा मोरिया पूर्चा वर्षी लोकोरिया के साथ। देखिए निशा पारिक से 2 दिन की हमारी यह खबर। पहले दिन पूजा अर्चना की और सेकंड डे बाबा के विसर्जन तक की कहानी, निशा पारिक के घर से लोखंडवाला तक के सफर पूरा हम दिखाएंगे नॉन स्टॉप ओनली ऑन कवर 24।
पवार, आई एम फैशन डिजाइनर फ्रॉम मुंबई। हाँ, मुझे सबसे ज्यादा अच्छा ये लग रहा है कि इतने बिजी स्केड्यूल में शी हैज मैनेज द टाइम एंड यू नो गणपति जी को लाया है घर पे, इतना बढ़िया सा डेकोरेशन किया है। हम सारे अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं टू टेक हीरा राजा दर्शन, सो इट्स अमेजिंग। यहाँ पे आना सुकून है, यहाँ पे इट्स गुड टू बी हियर। टाइटल देना हीरा राजा जी, अब है हीरा जैसे लग रहे हैं तो फिर क्या ही बोलना, फिर और कुछ बोलना है मुझे इस पे? हाँ निशा, कुछ बोलना है मुझे इस पे? कैसे टाइटल आया हीरा राजा और कैसे? ये हमेशा से हीरा का जो टाइटल, आपको तो पता ही है कि मैं हमेशा अपने गणपति जब भी रखती हूँ तो उनका नामकरण जरूर करती हूँ, और इस बार का नामकरण कुछ ऐसा है कि इनको ढूंढने में बड़ा टाइम लगा और इनको डेकोरेटेड करवाने में भी बहुत ज़्यादा, उतना ही ज़्यादा टाइम लगा। और नाम एज यूजल हम दो फ्रेंड्स हैं तो हमेशा से दे देते हैं हमेशा तो हम लोग हमेशा से बहुत सोचते रहते हैं कि क्या नाम देना है, क्या नाम देना है, तो फिर जैसा लुक आता है वैसा ही नाम अपने आप आ जाता है। तो अरे आओ ना इधर, नाम दे दिया क्योंकि मुझे ये इनकी चमकी हीरा जैसी ऐसी थी कि इन्होंने सारे हीरे फेल कर दिए, तो इनको देख के नाम अपने आप ही पड़ गया कि हीरा राजा इनका नाम रखना चाहिए। बाकी तो निशा जी ने इनको सब करा है, तो निशा जी बताएंगे। नहीं नहीं, हम सब ने मिलकर इस बार मैंने हमेशा से मैं 3 दिन की गणपति रखती हूँ, लेकिन पता नहीं गणपति पापा को शायद 2 दिन और ज़्यादा एक्सटेंड करने थे, तो अभी हमने इस बार 5 डेज के गणपति रखे हैं। वो इसलिए रखे हैं कि बहुत सारे फ्रेंड्स इतने दूर दूर रहते हैं, जैसे कि ये yes. बहुत दूर से लास्ट टाइम भी नहीं आ पाए थे और इसीलिए हमने 2 दिन और। यस, आई स्टे सो लॉन्ग खारगर, ऊपर से दिन में मीटिंग शेड्यूल होते हैं तो वो टाइम निकाल के फिर आई एम लाइक कि नहीं, निशा ने बुलाया तो जाना है, बस बात खत्म हो गई चाहे हम घर लेट पहुंचे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दरबार में जा रहे हैं, आज का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि लाइक आज तो डिंपल विंपल आ जाओ सब लोग सारे इधर आओ ना एवरीबॉडी, आज तो फीमेल बहुत ज्यादा है, सारे दोस्त के लिए आए हैं। गणपति बप्पा एक बार हो रहा है, गणपति बप्पा हो रहा है, क्या बाबा कैसे लगे हैं? सुपर माइंड ब्लोइंग। निशा के जो हीरा राजा हैं वो हीरा राजा अच्छे और बिल्कुल सुकूनदायक हैं कि बस हम लोग इतनी खुशी है यहाँ पे आके कि अब क्या ही बोलना। निशा जी बस इतना है कि हर बार साल आप ऐसे गणपति रखे, थैंक यू सो मच, और हर बार क्या हर साल इसी तरीके से हम धूमधाम से गणपति जी को मनाएंगे और हमेशा अपने इसी तरीके से घर लेकर आएंगे और गणपति जी के गुण गाएंगे जैसे कि गणपति बप्पा राजा की। आज तो हमारे बीच में कुछ बड़े बड़े सिंगर भी आए हैं, इनको कैसा लगा? मेरा नाम आलोक कुमार, मेरे को निशा जी ने इन्वाइट किया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कि गणपति के बहाने निशा जी ने जो बुलाया सेवा किया, ये उनका बाबा का आदेश था गणपति साईं बाबा का, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं कलाकार तो नहीं हूँ, प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं ऐसे ही सेवा के उद्देश्य से आया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मतलब लोग का सबका भाव इतना अच्छा था कि मेरे को तबीयत खुश हो गई। जय गणेश। बहुत बड़े क्या पॉलिटिशियन लोग भी आए हैं, सभी आ गए यहाँ। पहले तो थैंक यू निशा दीदी को कि हम सबको यहाँ पे इनवाइट किया उन्होंने, थैंक यू सो मच दीदी। अब अप्पा के इतने अच्छे दर्शन भी हो गए हैं और मैं तो हर साल ही पहुँच जाती हूँ। ये तो हाँ, अभी मैडम ने शादी की है और देखो शादी के बाद में भी बोलते ना कि गणपति बाबा ने खींच ही ली इसकी डोर यहाँ तक। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, हर बार सुकून मिलता है इनके गणपति में, कुछ तो चमत्कार रहता है, मुझे तो हर बार ही सुकून। फाइनली शादी भी हो गई, 2 साल से आ रही थी, सबको निशा देती है, आशीर्वाद देती है, गणपति जी का आशीर्वाद है, आशीर्वाद ऐसी बना रहे बस और कुछ नहीं, सब पे ब्लेसिंग बनी रहे। ये आएंगी स्वाति जी, स्वाति जी आप बताइए। हाँ जी, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ इनके घर पे, बट मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। एंड मुझे लिटरली वो गणपति पापा इतने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स इतनी ज़्यादा फील, इनके घर का ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव फील हुआ है मुझे, सो आई एम फीलिंग रियली ब्लेस्ड टू बी अ पार्ट ऑफ हर गणपति दिस टाइम, सो मैं हर साल आऊँगी, डेफिनेटली मैं आऊँगी। थैंक यू, थैंक यू। यस, स्वाति का अपना कुछ बता दो। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ,
और रेकी हीलर हूँ, ग्रैंड मास्टर रेकी हीलर हूँ और लामा फेरा हीलर हूँ। तो मैं लोगों को हील करती हूँ और मैं बहुत ही सेंसिटिवली यू नो ऑरा कैच कर पाती हूँ एनवायरनमेंट का, जहाँ पे भी लोग रह रहे हैं। बट इनके घर का मैं पहले भी आई थी एक बार गणपति से पहले, तो मुझे तभी भी बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस आई थी। आई फेल्ट एज इफ सच में साईं बाबा हैं, वो जितना दिल से वो साईं बाबा को मानती हैं। बहुत बहुत अमेजिंग इनका ऑरा भी है और इनकी पॉजिटिविटी भी है, तो मैं हमेशा आऊँगी डेफिनेटली। थैंक यू। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, बस मैं यही बोलूँगी गणपति बापा निशा जी का, अमीशा और सभी लोग जितने भी शामिल हैं उनकी सब विशेष वगैरह पूरी करें, जैसे हर साल करते आए वैसे ही हमेशा करते मैं रहे। हर साल आती रहूं इनके घर में और सब लोग ऐसे ही खुश खुशी खुशी बने रहे। निशा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, उनकी विशेष सब कम्प्लीट करेंगे। थैंक यू। और मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इन गणपति जी के जिन्होंने भी दर्शन किए उन सबकी विश पूरी हो जाए। एक बार हो जाए फिर गणपति बाप्पा।